सबको नमस्कार। दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। एक तरफ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, पढ़ाई अच्छी की गई, टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए ब्रॉड भेजा गया, विदेशों में भेजा गया, कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए जैसे हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति करिकुलम, बिजनेस सिखाने के लिए बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, कई स्पेशल किस्म के स्कूल शुरू किए गए। जैसे अभी एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो बच्चे भीख मांगते हैं वो एक तरह से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो किसी का वोट बैंक भी नहीं होते। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं हम लोग। इस तरह से एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल बनाया है जहाँ पे बच्चों को फौज में भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका मकसद है देश ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आए। स्किल यूनिवर्सिटी तैयार की है जिसमें बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं। आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, हम बार बार कहते हैं कि हमें भारत को, सबको मिलके हमें भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर वन देश तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। और ये काम हमें बहुत कम समय में करना है। 75 साल खराब हो गए अपने, अब बहुत कम समय में अपने को हर बच्चे तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुँचानी है। ये कैसे होगा? उस दिशा में आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नई तरह की क्रांति पैदा करने वाला है। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। एक साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर, जिस तरह से लड़कियों की एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। कोरोना के वक्त जब स्कूल बंद थे तब वर्चुअल क्लासेस लगा करती थी। उन वर्चुअल क्लासेस से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये एक नई तरह का स्कूल चालू किया है। हमारा अपना ये मानना है कि स्कूल तो क्लास में आना ही चाहिए, स्कूल होना ही चाहिए, स्कूल में बच्चों को फिजिकली आना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों तक वो स्कूल नहीं, जिन बच्चों को फिजिकल स्कूल मुहैया नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, उन तक कम से कम शिक्षा तो पहुंचे। ये वर्चुअल स्कूल उन बच्चों को शिक्षा पहुंचाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्लासेस जो हैं ऑनलाइन होंगी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन अटेंड कर लें, जो नहीं भी कर सकते तो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो उसमें डाल दी जाएंगी, रिकॉर्ड में डाल दी जाएंगी। तो बच्चा जब भी फ्री होता है वो जाके उसको, अपनी क्लास को देख सकता है। स्कूल का नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की आज से शुरुआत की जा रही है। 9वीं क्लास में, ये 9वीं से 12वीं का होगा लेकिन अभी शुरुआत है, तो 9वीं क्लास में एप्लीकेशंस, आज इसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं भर्ती के लिए। 2022 और 2023 के एकेडमिक ईयर के लिए 9वीं क्लास की एप्लीकेशंस आज से इनवाइट की जा रही हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट को दिल्ली का होना हो, पूरे देश से कोई भी बच्चा किसी भी कोने से, गांव के किसी भी कोने से, शहर के किसी भी, पूरे देश से कोई भी बच्चा इस स्कूल में अप्लाई कर सकता है। वेबसाइट पे अप्लाई करना है www.dmvs.ac.in, www.dmvs.ac.in। 13 साल से 18 साल का कोई भी बच्चा
जिसने 8वीं क्लास किसी भी रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड स्कूल से की है वो बच्चा 9वीं क्लास के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। ये स्कूल जो है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बनाया था उससे एफिलिएटेड होगा। और इसमें जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश फिजिकली स्कूल में नहीं जा पाते, ऐसे सब बच्चों के लिए ये लाभदायक होगा। हम इसमें न केवल पढ़ाएंगे बच्चों को, हम बच्चों को 11वीं 12वीं में जेई के, नीट के, सीयूईटी के ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में भी मदद करेंगे। हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लेके आएंगे ताकि बच्चों को इसके लिए तैयारी की जा सके। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी करवाई जाएगी, स्किल बेस्ड भी तैयारियां कराई जाएगी ताकि जो बच्चे साथ साथ कुछ प्रोफेशन भी करना चाहें तो वो साथ साथ पार्ट टाइम प्रोफेशन भी कर सकते हैं। स्किल बेस्ड उनको वो भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें एक स्कूलिंग प्लेटफॉर्म होगा, हर बच्चे को एक आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, वो उस आईडी और पासवर्ड से उस स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेगा और स्कूलिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने के बाद वो लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस कर सकता है, सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल ले सकता है, ट्यूटोरियल्स कर सकता है, असेसमेंट्स, ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगी, एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होगी, वो डिजिटल लाइब्रेरी का सारा कंटेंट वो एक्सेस कर सकता है। और ये जो है किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी भी टाइम वो एक्सेस कर सकता है। ये स्कूलिंग प्लेटफॉर्म गूगल और स्कूल नेट इंडिया, इन दो वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है और टीचर्स जो हैं स्कूल के उनको स्पेशली तैयार किया गया है इन वर्चुअल क्लासेस को पढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगा। आज़ादी के बाद से शायद पहली बार इतने बड़े स्तर के ऊपर, अब जैसे आप इमेजिन करके देखिए, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसको कई हजार स्टूडेंट्स एक साथ देख रहे हैं, तो एक साथ देश के कोने कोने से कई सारे स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे टीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को आने वाले समय में, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। नमस्कार।